हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु निवास करते हैं और उनमें से हर एक की एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं था अगर कुछ कीट पतंगे, छोटे पशु पक्षी और कुछ अन्य प्राणी एक योद्धा की तरह पृथ्वी माता की रक्षा न कर रहे होते। मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भोजन की आवश्यकता भी बढ़ी और मानव ने खेती में तरह तरह के हानिकारक प्रयोग करने शुरू कर दिए। 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से खेती में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अन्न का उत्पादन तो बढ़ाया पर पर्यावरण को तहस नहस कर दिया। इस केमिकल मॉन्स्टर के आक्रमण से हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होने के साथ साथ ही बहुत सारे मित्र कीट पतंगे और पशु पक्षियों का विनाश आरंभ हो गया। बेशक अन्न का उत्पादन बढ़ा है लेकिन केमिकल टॉक्सिन से भरा ये भोजन हमारे ऊपर स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। जरा इन छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे योद्धाओं को देखिए। अगर ये तरह तरह से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा ना कर रहे होते तो आज पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। नमस्कार आदाब, मैं आपकी दोस्त हनी बी मिलवाती हूँ आज आपको अपने कुछ योद्धाओं से जो खुद ही आपको बताएंगे कि वो अपनी पृथ्वी की कैसे कैसे सुरक्षा करते हैं। तितली रानी मेरा नाम है और पॉलिनेशन बढ़ाना मेरा काम है। फूल फूल पर जाती हूँ, अधिक अन्न उपजाती हूँ। तितली के प्यारे बच्चे पत्ते खाते कच्चे कच्चे, साथ में शत्रु कीट भी खाते, योद्धा हैं हम बिल्कुल सच्चे। जितनी खूबसूरत दिखती हूँ ना हूँ उतनी खतरनाक, खा जाती हूँ मिली बग जैसे कीड़ों को और नाम है लेडी बग। वैसे तो मैं पत्ते खाने वाले कीड़े खाता हूँ लेकिन ज्यादा भूख लगे तो कुछ पत्ते भी खा लेता हूँ। क्या करूँ भाई, पेट का सवाल है। आपने हमें पानी के ऊपर उड़ते देखा होगा। मैं पानी में रहने वाले कीड़े खा जाता हूँ और पानी शुद्ध बनाता हूँ। दिन भर चलती कभी न थकती मिट्टी को मैं उलट पलट कर देती हूँ। धरती माँ के सीने में ऑक्सीजन ताजी भर देती हूँ। चल धीमी है पर काम बहुत तेज। सड़े गले पत्ते और फंगस ना खाऊं तो तेरा क्या होगा कालिया। भाई हाँ, मैं भी, मेरे लार्वा पानी में रहते हैं और पानी में रहने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाते हैं और मैं इस दुष्ट मच्छर जैसे प्राणियों को अपने जान में फंसाकर उनकी जान ले लेती हूँ। सब खाने की बातें किए जा रहे हैं, अरे भाई कोई उगाने की बात भी करेगा। एक मैं ही हूँ नन्ही सी जान जो बीजों को सारी दुनिया में इधर से उधर फैलाती हूँ। और इंसानों ने क्या किया, केमिकल्स का यूज कर करके हमारी हस्ती खेलती दुनिया तबाह कर दी, हमारी अगली पीढ़ियों को संकट में डाल दिया। खास तौर पर मुझे जो मरे हुए प्राणियों को खाकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाता था। अले कोई दावत चल रही है क्या? कुछ अच्छा अच्छा खाने को हो तो मैं भी आ जाऊं, नहीं तो खेतों में जाके अनाज और सब्जी खा जाऊं। दिखता तो खतरनाक हूँ पर दोस्तों ऐसे शैतान चूहों को खाकर तुम्हारी फसल बचाता हूँ। भाई ये जमीन और आसमान वाले हम पानी वालों को भूल गए क्या? हम भी तो हानिकारक कीड़े मकोड़े खाकर इनकी सुरक्षा करते हैं। ऐ मेरी वतन के लोगों, 30 फुट नीचे से आई हूँ इस मीटिंग के लिए। धरती पर प्रदूषण ही इतना है कि ऊपर आने का जी ही नहीं करता। मेरा काम है पौधों को प्राकृतिक रूप से खाद बनाकर देना। इतना प्रदूषण है भाई यहाँ, मुझसे तो झेला नहीं जा रहा, मैं चला अपने घर की तरफ वापस। इस रासायनिक प्रदूषण ने मेरे लाखों करोड़ों साथियों के प्राण ले लिए। नदियों झीलों और समुन्दरों का पानी जहरीला हो चुका है। सारी वनस्पतियाँ इस रासायनिक विष से इतनी बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है कि हम खाने की जगह स्लो पॉइजन खा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को इस रासायनिक विष से बचाने का और उन छोटे नन्हे मुन्ने जीवों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। अपने बदलाव से ही आप छोटे स्तर से शुरू करके एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। मानव की तरह ही प्रकृति का हर प्राणी हर जीव जंतु पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
और मैं यानी हनी भी अपने मुंह में मिट्टू बन ही जाती हूँ। सारी दुनिया में जगह जगह घूमकर पॉलिनेशन का इम्पोर्टेंट काम मैं ही तो करती हूँ। भाई मेरे ये साथी तो आपसे मिलकर आज बहुत खुश हुए, आप इनसे मिलकर खुश हुए या नहीं? दोस्ती करेंगे इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से? आपकी ये दोस्त हनी भी आज आपसे यहीं विदा लेती है। जल्दी मिलेंगे फिर किसी और प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो के साथ। बाय बाय।